हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पोते निनाद का हाल ही में उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके घर पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान ली गई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में गडकरी के पोते निनाद राजनाथ सिंह के सामने साष्टांग दंडवत होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है। कई लोगों ने कहा कि इसे कहते हैं असली संस्कार। वहीं कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि धन और वैभव के नशे में चूर होकर नेताओं के बिगड़े बच्चों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पौत्र निनाद से संस्कार की सीख लेनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर उनके पोते निनाद के उपनयन संस्कार समारोह पर पहुंचे थे। गडकरी के आवास जाने से पहले सिंह ने हवाई अड्डे पर कुछ रक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि यह प्रेम भरा सम्मान आपको केवल और केवल भारत की मिट्टी और यहाँ के संस्कार में ही मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों से रक्षा प्रौद्योगिकी की अहमियत पर बात की। उन्होंने इसे समय की जरूरत बताते हुए कहा कि वे बाहरी प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाते हुए रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर होने पर ध्यान केंद्रित करें। नागपुर की अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के कमांडरों से तीनों सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखने और रखरखाव और संचालन प्रतिक्रियाओं का सही मायने में पालन करने के लिए कहा। इससे पहले एयर मार्शल शशिकर चौधरी, AOC इन सी मेंटेनेंस कमांड एवं सैन्य प्रतिष्ठानों के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हवाई अड्डा पहुँचने पर राजनाथ सिंह का स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हवाई अड्डे पर रक्षा क्षेत्र के कुछ हितधारकों के साथ बातचीत की। उन्हें इस क्षेत्र में सेना, वायुसेना और DRDO के सार्वजनिक उपक्रमों सहित रक्षा प्रतिष्ठानों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। रक्षा क्षेत्र के हितधारकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें पश्चिमी देशों की विकसित प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखते हुए रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर होने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। स्टेशन के सामने के फ्लाईओवर के नीचे के दुकानदारों को स्थानांतरित करने के लिए मनपा की ओर से प्रक्रिया शुरू की गई। कुछ दुकानदारों को मुआवजा, कुछ दुकानदारों को दुकान के बदले दुकान देने का निर्णय लिया गया। जिन्हें दुकान चाहिए थे उनके लिए दो दिन पहले मनपा मुख्यालय में लॉटरी निकालकर महामेट्रो द्वारा स्टेशन के पास ही तैयार किए गए 70 दुकानों में 23 लाभार्थियों को मकान आवंटित किए गए, किंतु 35 दुकानदार ऐसे रहे जिन्हें दुकान तो चाहिए थे लेकिन उन्हें अस्थायी तौर पर मिल रही दुकानों का विरोध कर लॉटरी में हिस्सा ही नहीं लिया। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने लॉटरी की पद्धति को याचिका के फैसले के अधीन रखा, जिससे अब मनपा और इन दुकानदारों में टसल शुरू हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता महेश धात्रक ने कहा कि मनपा द्वारा की गई लॉटरी सिस्टम को ही अब चुनौती दी जाएगी। कोर्ट ने महानगर पालिका को नोटिस जारी कर 8 जून तक जवाब दायर करने के आदेश दिए। साथ ही याचिकाकर्ताओं को मनपा की लॉटरी में हिस्सा लेने की स्वतंत्रता प्रदान की थी, किंतु इस लॉटरी में उन्हें शामिल होने का मौका नहीं मिला है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के रुख को देखते हुए राज्य में चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रभाग रचना का अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। नियमों के अनुसार अब प्रभाग के अनुसार जहां मतदाता सूची को तैयार किया जाना है, वही आरक्षण के लिए निर्धारित किए गए नियमों के तहत आरक्षण तय करना है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार संबंधित महानगर पालिका के आयुक्त को आरक्षण निकालने के लिए लॉटरी की तारीखों की घोषणा करनी है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही महानगर पालिका की ओर से तारीख, स्थान और समय को लेकर जनता के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। नियमों के अनुसार 156 सीटों में से कुल 43 सीटों पर आरक्षण तय करना है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला और पुरुष वर्ग का आरक्षण तय होगा। 43 में से आधी सीट आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए निर्धारित होगी। महानगर पालिका चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण है, जिसके अनुसार 78 सीटों पर महिलाओं का राज होगा। इनमें से 22 सीटें आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए रखी जाएगी, जबकि बची 56 सीटें ओपन वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाया है कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार सितंबर महीने तक OBC एम्पिरिकल डाटा जमा ही नहीं करना चाहती। उपमुख्यमंत्री अजित पवार और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने विधानसभा में कहा था कि एक महीने में एम्पिरिकल डाटा जमा हो सकता है, लेकिन अधिवेशन हुए 2 महीने बीत गए, फिर भी डाटा तैयार नहीं हुआ। यह डाटा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तैयार होने अपेक्षित होते हुए भी राज्य OBC आयोग दूसरा ही उपक्रम लगा है।
और टाइम पास कर रहा है। राज्य सरकार ने सभी शासकीय यंत्रणा को काम पर लगाया तो डाटा एक महीने में जमा हो सकता है, लेकिन सरकार में बैठे कुछ नेताओं का बांठिया आयोग पर दबाव है। सूको को अपेक्षित डाटा तैयार नहीं होने देने के लिए ये नेता प्रयत्नशील है। इसी के चलते ओबीसी आयोग पहले जनप्रतिनिधियों से गोपनीय जानकारी मांगता है और अब सामान्य जनता और संगठन की प्रतिक्रिया मंगवा कर टाइम पास कर रहा है। उन्होंने सभी शासकीय यंत्रणा को काम पर लगाकर डाटा जमा करने की मांग की। बावन कुले ने कहा कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यह ओबीसी आयोग डाटा जमा करे। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और शहर में महानगर पालिका, नगर पालिका की मतदाता सूची व कर सूची से ओबीसी की संपूर्ण जानकारी लेकर एम्पिरिकल डाटा तैयार करने की जरूरत है। विरोधी पक्ष नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की लगातार हो रही हार और एक एक कर नेताओं के पार्टी छोड़ जाने से राहुल गांधी निराश हताश हो गए हैं। कांग्रेस एक डूबता जहाज हो गया है, इसलिए हताशा में भाजपा पर टिप्पणी करना शुरू किया है। राहुल गांधी द्वारा हर व्यासपीठ पर केवल टीका टिप्पणी कर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण में उन्होंने भारत में अशांति फैलाने का आरोप भाजपा पर लगाया था। इस संदर्भ में सवाल के जवाब में फडणवीस बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्वार्थ नीति के चलते समाज में फूट निर्माण हो गई थी, लेकिन अब वातावरण बदल गया है। हम सभी भारत माता के बेटे हैं, यह भावना देश में तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक हो रहा है। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक की डी गैंग से संबंध अत्यंत गंभीर है, बावजूद इसके महाविकास उन्हें मंत्री पद पर टिकाने के लिए प्रयासरत है। ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में उन्होंने कहा कि बीते दो वर्ष ओबीसी आरक्षण के लिए अगर डाटा तैयार कर लिया होता तो आज आरक्षण गंवाना नहीं पड़ता। पिछले कुछ दिनों से हावड़ा से नागपुर आने वाली ट्रेनों का टाइम पूरी तरह बिगड़ गया है। हर दिन ट्रेनें डेढ़ से ढाई घंटे की देरी से चल रही है। रविवार को हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस 3.25 घंटे, हावड़ा मुंबई मेल 1.25 घंटा, हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 2.5 घंटा और हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 2.25 घंटे की देरी से चली। वही संतरागाछी पोरबंदर एक्सप्रेस रद्द रही। जानकारी के अनुसार देश में पावर प्लांट में जारी कोयले की कमी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में मालगाड़ियों का परिचालन जारी है। ऐसे में इस रूट से आने वाली यात्री ट्रेनों को देरी से चलाना पड़ रहा है। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल नवंबर से अपना अमृत महोत्सव मनाएगा। इस दौरान वर्षभर विविध विकास कार्यों के साथ ही कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वक्त के साथ ही मेडिकल की इमारत की पुरानी हो चली है, वही कुछ विभाग तो मेडिकल की इमारत से भी पुराने हैं। इनमें मुख्य रूप से टीबी विभाग शामिल है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने अभी इस पुरानी इमारत के नवीनीकरण की सीमा खत्म होने की सिफारिश कर दी है। इस हालत में नई इमारत के निर्माण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। बताया जाता है कि टीबी वार्ड की इमारत करीब 1945 के आसपास बनी थी। इमारत में छत के तौर पर सीमेंट की चादरें लगाई गई है। यहाँ प्रतिदिन ओपीडी में करीब 150 से अधिक मरीज आते हैं। पुरुष मरीजों को भर्ती करने के लिए पिछले हिस्से में एक वार्ड भी है, लेकिन इसकी हालत भी गंभीर हो गई है। कुछ वर्ष पहले लाखों रुपए खर्च कर टीबी विभाग का नवीनीकरण किया गया। उसी वक्त सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि अब इसके बाद नवीनीकरण करना संभव नहीं है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी पेट्रोल की कीमत को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साइकिल पर मार्च किया। केंद्र सरकार ने जनहित में फैसला लेते हुए उत्पाद शुल्क में कमी की है और डीजल की कीमत में 7 से 9 रुपए की कमी लाई है। हालांकि राज्य सरकार ने ही ईंधन पर सर्वाधिक 50 रुपए प्रति लीटर टैक्स लगाया है। यदि राज्य सरकार करों को आधा कर देती है तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। राज्य सरकार या तो कर कम करे या तो नौटंकी करना बंद करे। विधायक कृष्णा खोपड़े ने नाना पटोले से यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार ईंधन कर कम करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वित्त मंत्री अजित पवार के घरों पर साइकिल मार्च निकालेगी। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने के साथ साथ सिलेंडर पर सब्सिडी के फैसले से भी सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार देश की जनता के प्रति संवेदनशील है और केंद्र सरकार समय समय पर राहत पहुंचाने का काम भी कर रही है, लेकिन राज्य सरकार केवल अपने मंत्रियों के प्रति संवेदनशील है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य सरकार ने जनहित में निर्णय नहीं लिया है और नाकाम साबित हुई है।
बेहाल करने वाली उमस भरी गर्मी से परेशान शहरवासियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 25 मई से सिटी में मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। 25 से बारिश हो सकती है। फिलहाल तो गर्मी के साथ उमस और गर्म हवाओं के थपेड़े झुलसा रहे हैं। विभाग ने संभावना जताई है कि 25 से मौसम बदलेगा। 25 और 26 मई को अमूमन समय बदराया मौसम रहेगा और 1 से 12 स्पेल की बारिश हो सकती है। उसके बाद 27 व 28 मई को भी आंशिक बदली वाला मौसम रहेगा। साथ ही तेज हवाओं गरज चमक के साथ हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में भी कमी आ सकती है। इस वर्ष मानसून भी जून के पहले सप्ताह में दस्तक देने की पूरे आसार है। विभाग ने 5 से 10 जून के बीच मानसून आगमन की संभावना जताई है। रविवार को सुबह से ही तेज धूप रही, शाम तक बीच बीच में बदली भी छाई, लेकिन गर्म हवा परेशान करती रही। अधिकतम तापमान भी 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो औसत से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। गोरेवाड़ा जंगल में रविवार की दोपहर आग लग गई। तेज हवाओं के कारण जंगल में तेजी से आग फैलती ही जा रही थी। ऐसे में वन विभाग के कर्मचारी और मनपा अग्निशमन दल ने मोर्चा संभाला। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोरेवाड़ा जू प्रशासन के अनुसार रविवार दोपहर 12:30 बजे के दौरान आग लगने का पता चला। ये आग लावा दाभा गाँव की तरफ से शुरू हुई। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती जा रही थी। करीब 100 से 150 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ गया। गोरेवाड़ा जू के लगभग 150 अधिकारी और कर्मचारी ने वन विभाग के पास उपलब्ध अग्निशमन साधनों के साथ आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन बड़ा इलाका आग की चपेट में आ चुका था। ऐसे में अग्निशमन विभाग को भी घटना की जानकारी दी गई। आग को जू की तरफ बढ़ते देख दोपहर को सफारी बंद करवा दी गई। CFO राजेंद्र उचके ने सिविल, सुगत नगर, कॉटन मार्केट और गंजीपेट से 4 वाहन मौके पर रवाना किए। 2 अलग अलग परिसरों में आग बुझाने का काम शुरू किया गया। आग को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा फायर बीटर और ब्लोअर का भी इस्तेमाल किया गया। अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल में हिंदी के प्रथम व्यंगकार शरद जोशी की जयंती समारोह हर्षोल्लास से मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक राजेंद्र मिश्र ने की एवं कार्यक्रम का संचालन रंजना ठाकुर ने किया। विद्यार्थियों ने शरद जोशी जयंती समारोह में ऑनलाइन भागीदारी निभाई। समारोह अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र ने बताया कि हिंदी साहित्य के प्रथम व्यंग रचनाकार शरद जोशी ने क्षितिज, छोटी सी बात, उत्सव, सांझ को आँच नहीं, गोधूली जैसी फिल्में लिखी, तो टेलीविजन के लिए भी ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, लापता गंज जैसे धारावाहिक। भारत सरकार द्वारा 1990 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश में जन्मे शरद जोशी ने व्यंग लेखन की विधा को एक नया आयाम दिया। शरद जोशी ने अपने व्यंगों में राजनीतिक समस्याओं, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों, तत्कालीन घटनाओं को इतनी कुशलता और इस अंदाज में उठाया कि उन्होंने सीधे पाठकों के दिल को छुआ और उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि उनकी रचनाओं ने करोड़ों दिलों को छुआ और पाठकों को बहुत कुछ सोचने पर बाध्य किया। कई बार उनके द्वारा लिखे गए व्यंगों में कटाक्ष इतना गहरा होता था कि पाठकों को अंदर तक झकझोर देता था। महाराष्ट्र कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुण्यतिथि पर जफरनगर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के विभागीय अध्यक्ष ओवैस कादरी, नगर अध्यक्ष इरशाद अली, प्रदेश सचिव जावेद पठान और सैयद मुमताज, मुकीम खान, ताजुद्दीन काजी समीर, जकी शफी, शाइस्ता परवीन, काशिफ खान, माजिद खान, सोहेल खान, रिजवान शेख, हाजी मुमताज अहमद, टी खान, रिजवान खान, शहाबुद्दीन, तौसीफ खान, सैयद मुबाशिर, अतीफ खान, शोएब अख्तर, उमर खान, मोहम्मद नसीब, नासिर खान, रियाज खान, साजिद खान, नकीब खान आदि कार्यकर्ता व पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आतंकवाद विरोध दिवस के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने एवं मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम रखने एवं विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,220 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,22,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 8 मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे 1,62,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 4,38,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त तो सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के स्थानीय इकाई की ओर से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में दक्षिण पश्चिम युवा मोर्चा, युवा योद्धाओं और युवा मोर्चा ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आयोजित इस रक्तदान शिविर में पूर्व महापौर संदीप जोशी, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रवीण दटके और मंडल अध्यक्ष किशोर वानखेड़े का मार्गदर्शन रहा। इस शिविर में लगभग 70 लोगों ने रक्तदान कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। इस अवसर पर परेंद्र पाटले, शिवानी दानी, देवदत्त देहंकर, नीलेश राउत, नगर युवा मोर्चा के मंत्री चेतन धार्मिक, शुभंकर उदय डबले मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा, युवा वॉरियर, दक्षिण पश्चिम मंडल नागपुर महानगर, नागेश सातवने, हर्षल तिजारे, वेदांत जोशी, निधि तेलगोटे, पवन मुंधड़ा ने आयोजन को सफल बनाने में अहम योगदान दिया। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र रीजन लेडीज विंग की अध्यक्ष जया खत्री से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार 25 मई को रात 9 बजे वसंतराव देशपांडे सभागृह में सिंधी फिल्म वेडिंग बेल्स 2 का आयोजन किया गया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार बेहतरीन कॉमेडियन एंकर मोहित शिवानी, अभिनेत्री नागपुर निवासी प्रियंका लालवानी, विख्यात गायिका मंजुश्री आसुदानी तेजवानी है। सिंगर शान द्वारा गाया गीत भी इस फिल्म में फिल्माया गया है। संस्था अध्यक्ष जय खत्री, महासचिव भारती आसुदानी व अन्य सदस्यों ने सिंधी समाज के सिंधी भाषा के बढ़ावे हेतु अधिक से अधिक संख्या में आकर सिंधी फिल्म का आनंद लेने की अपील की है। श्री श्री राधा कृष्ण भक्त परिवार की ओर से एवं मधुसूदन बापू की प्रेरणा से जरीपटका स्थित राधा कृष्ण स्थान कस्तूरबा नगर गली नंबर 2 और मधुसूदन धाम सिंधी कॉलोनी खामला में जारी बाल संस्कार शिविर में उच्च शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। दोनों जगह बच्चे बहुत मन लगाकर हर कार्य में भाग ले रहे हैं। भक्ति के साथ बड़ों का आदर करने जैसे संस्कार बच्चों को दिए जा रहे हैं। यह शिविर 28 मई 2022 तक चलेगा, जिसका समय जरीपटका में प्रतिदिन सुबह 9:30 से 11:15 बजे एवं खामला में सुबह 9 बजे से 10:15 बजे तक रखा गया है। संस्थान ने भक्तों से अधिक संख्या में भाग लेने की विनती की है। अभी भी कुछ दिन बाकी है, अपने बच्चों को इस शिविर का हिस्सा बनाए और उनकी आध्यात्मिक उन्नति एवं अच्छी आदतों में वृद्धि करें, आयोजकों ने अपील करते हुए कहा। बेलतरोडे के महाकाली नगर में अग्नि दुर्घटना प्रभावित 102 परिवारों में पुलक मंच परिवार और अमर स्वरूप फाउंडेशन द्वारा पीने के पानी की स्टेनलेस स्टील की गुंडिया और प्लेट वितरित की गई। इस सेवा कार्य में उज्जवल गौरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र कुमार कटारिया, महावीर नगर सुधार समिति के अध्यक्ष अनिल गवारे, माझे महावीर नगर सोशल ग्रुप के प्रमुख डॉक्टर रविन्द्र भुसारी, पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड, अनंतराव शिवणकर, रमेश उदयपुरकर, अमर स्वरूप फाउंडेशन के राहुल मोहरले आदि उपस्थित थे। इसके पूर्व अग्निकांड की जानकारी मिलते ही दोनों संस्थाओं के सदस्यों द्वारा साड़ियां, पीड़ितों में बच्चों के कपड़े, बर्तन, शर्ट पैंट, गद्दी, चादर, महिलाओं के वस्त्र वितरित किए गए। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीके वी न्यूज़। नमस्कार।